नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 14 मई सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आए सामने। कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा छाप कर 136 सीटों पर ऐतिहासिक जीत की हासिल। कर्नाटक में कौन बनेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री? कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक। थोड़ी देर में हो जाएगा सीएम चेहरे का ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका। दक्षिण भारत में ढह गया बीजेपी का आखिरी किला। पार्टी का पूरी तरह दक्षिण भारत में हुआ सफाया। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत पर उद्धव ठाकरे का मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा चुनाव में नहीं चला बजरंगबली का मुद्दा। यह है मोदी और अमित शाह की हार। कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत पर अखिलेश यादव बोले बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अंतकाल हुआ शुरू। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद एक्टर कमल हासन ने की राहुल गांधी की तारीफ। कहा गांधी जी की तरह आप लोगों के दिल में उतरे। कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा छाप होने पर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह का बड़ा बयान। कहा भाजपा मुक्त हुआ कर्नाटक। 2024 में भाजपा मुक्त होगा देश। गोरखपुर में मेयर चुनाव में बीजेपी ने की धांधलीबाजी। डाले गए वोटों से ज्यादा हुई गिनती। अखिलेश यादव ने की रिकाउंटिंग कराने की मांग। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ सुपर फड़ी के मन कल के सामने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे आए सामने। कांग्रेस ने जीती 136 सीटें। बीजेपी का शिवपड़ा छाप। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने 224 विधानसभा सीटों में से 136 सीटें जीतकर कर्नाटक में इतिहास रच दिया है। वहीं बीजेपी ने 65 सीटें जीती हैं। जेडीएस के खाते में 19 सीटें गई हैं। अन्य को 4 सीटें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब की बार मिली हैं। लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए ऐतिहासिक जीत कर्नाटक में हासिल की है और बीजेपी का सफाया कर दिया है। इसी के साथ बड़ी खबर मंडल के सामने कर्नाटक में कौन बनेगा कांग्रेस का मुख्यमंत्री? आज होगा फैसला। कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी का सुपड़ा छाप कर 136 विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि कर्नाटक में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। रविवार को चुने गए सभी विधायकों को राजधानी बेंगलुरु में बुलाया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसी बात का निर्णय लिया जाएगा कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सभी विधायक मिलकर राज्य के नए मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। इसके बाद फाइनल फैसला हाई कमान करेगा। अब देखना होगा डीके शिव कुमार को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाती है या सिद्धरमैया को। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। इसी के साथ बड़ी खबर मंडल के सामने कर्नाटक में कांग्रेस की भारी जीत पर बोले अखिलेश यादव बीजेपी के नकारात्मक राजनीति का अंतकाल शुरू। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। इसको लेकर अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी सामाजिक बंटवारे झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कर्नाटक का संदेश है कि बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी अमीरों मुखी महिला युवा विरोधी सामाजिक बंटवारे झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार और नफरत के खिलाफ सख्त जनादेश है। जो बड़ी अपडेट है बड़ा बयान अखिलेश यादव ने दिया और भाजपा पर हमला बोला है। साधुशाली बड़ी के मन कल के सामने लोकसभा चुनाव से पहले मोदी को तगड़ा झटका। दक्षिण भारत में ढह गया बीजेपी का आखिरी किला। पार्टी का पूरी तरह दक्षिण भारत में हुआ सफाया। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत हासिल कर दिए। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया कर दिया है। लेकिन बड़ी अपडेट है दक्षिण भारत में बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक में ही बीजेपी की दक्षिण भारत में सरकार थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव जीत लिया है जिसके बाद पूरी तरीके से बीजेपी का दक्षिण भारत में सुपड़ा छाप हो गया है। दरअसल दक्षिण भारत में 5 राज्य आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरल तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं।
अभी तक वहां पर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक में सरकार बन गई है। इस लिहाज से अब दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा शाप हो गया है, जो उस पर भी अपडेट के साथ चली बड़ी मंडल किशन। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर ललन सिंह का भाजपा पर हमला, कहा भाजपा मुक्त हुआ कर्नाटक। दरअसल आपको बता दें, बिहार की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत पर और बीजेपी की हार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस जनादेश से कर्नाटक बीजेपी से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में फायदा लेने के लिए भाजपा ने सभी हथकंडे को आजमाया, धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर पहुंचाकर चुनाव प्रचार किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो पद की गरिमा के विरुद्ध प्रचार किया, लेकिन वहां की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के सामने सब फेल हुआ और कर्नाटक आज भाजपा से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए एक बड़ा संदेश है। इसके पहले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश भाजपा मुक्त हुआ था और फिर दिल्ली नगर निगम से ही भाजपा मुक्त हुआ। इसी साल मध्य प्रदेश में ही भाजपा मुक्त होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो देश से भाजपा का मुक्त होना तय है, जो उससे बड़ी अपडेट है। इसी के साथ चली बड़ी की मंडल किशन। कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर उद्धव ठाकरे का मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला, कहा कर्नाटक चुनाव में हार मोदी और अमित शाह की हार। जो सापदे कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव ने देश की राजनीति को नई दिशा और उम्मीद का नया किरण दिखाया है। कांग्रेस की जीत हुई है, लोगों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोर जबरदस्ती की हत्याई गई सत्ता को निडरता से उखाड़ फेंका है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में हिंदू मुस्लिम बजरंगबली हिजाब जैसे धार्मिक मुद्दे नहीं चले, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीता। उन्होंने कहा कि ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की जीत की शुरुआत है। दरअसल कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ही वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर बजरंग दल जैसे संगठनों पर कार्रवाई करेगी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि ये बजरंग बली के भक्तों को ताले में बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी का सुपड़ा छाप कर दिया। इसी के साथ बड़ी की मंडल किशन। यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए सामने, बीजेपी को कई जगह लगा पड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। मेयर की बात करें तो मेयर की 17 सीटों में से 17 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस अन्य अपना खाता नहीं खोल सकी। वहीं यूपी नगर पालिका की 199 सीटों की बात की जाए तो 85 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 4, अदर के खाते में 21 सीटें गई हैं। वहीं दोस्तों यूपी नगर पंचायत की बात की जाए तो 544 सीटों में से बीजेपी ने 198 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 81 सीटें मिली हैं, बीएसपी को 46, वहीं कांग्रेस को 9, अन्य के खाते में 210 सीटें गई हैं। लेकिन मेयर में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की और 17 के 17 मेयर अब बीजेपी के बनेंगे, जो उससे बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी के मंडल केशन में एक्टर कमल हासन ने कर्नाटक की जीत के बाद की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, बोले गांधी जी की तरह आप लोगों के दिल में उतरे। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत के बाद एक्टर कमल हसन ने ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक नोट लिखा। कमल हसन ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और उनकी तुलना महात्मा गांधी से की। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में 136 विधानसभा सीटें जीतकर बीजेपी का सुपड़ा छाप कर दिया है। एक्टर कमल हासन ने लिखा कि श्री राहुल गांधी जी, इस महत्वपूर्ण जीत के लिए हार्दिक बधाई। गांधी जी की तरह आप लोगों के दिल में उतरे और उनकी तरह आपने दिखाया कि अपने सौम्य तरीके से आप दुनिया की ताकतों को प्यार और विनम्रता से हिला सकते हैं, बिना से कि बहराइने या छाती पीटने के। आपके विश्वसनीय और विश्वसनीय दृष्टिकोण के लिए ताजी हवा की सांस बनी है। कमल हासन ने आगे लिखा कि कर्नाटक के लोगों ने बांटने की राजनीति करने वालों को छोड़कर आप पर भरोसा किया है। उन्होंने एकजुट होकर आपको वोट दिया, सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि जीत के तरीके के लिए भी
बधाई। जो उस बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, कमल हासन ने भी अब राहुल गांधी की क्षमता तारीफ की और राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी है। इसी के साथ बड़ी के मन काल कृष्ण, गोरखपुर में मेयर चुनाव में बीजेपी ने की धानलेबाजी, डाले गए वोटों से ज्यादा हुई गिनती, अखिलेश यादव ने की रिकाउंटिंग कराने की मांग। दरअसल आपको बता दें, यूपी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में मेयर पद के लिए कराए गए चुनाव में बड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। सपा के कुछ नेताओं ने सवाल किया कि जब चुनाव में केवल 3,63,000 वोट पड़े तो चुनाव आयोग ने 4,87,000 से अधिक वोटों की गिनती कहां से करा दी। भैया पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में दोबारा मतगणना कराने की मांग की है। अखिलेश ने कहा कि गोरखपुर में डाले गए वोटों से ज्यादा वोट गिने जाने की धांधली की खबर पर चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान लेकर मतगणना की सत्यता को जांच और गलत पाए जाने पर रिकाउंटिंग करवाए। सपा के कुछ नेताओं ने भी रिप्लाई किया है जिसमें चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं। सपा नेता गौरव प्रकाश ने पूछा कि गोरखपुर मेयर चुनाव में 3,63,000 वोट पड़े, गिन दिए 4,87,198 वोट, चुनाव आयोग चुनाव ही क्यों कराते हो। सपा के एक अन्य नेता असुमान सिंह ने आरोप लगाया कि यूपी में खुलेआम बेईमानी का खेल हो रहा है। उन्होंने लिखा कि शासन प्रशासन द्वारा खुलेआम बेईमानी का खेल चल रहा है।